नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र नागर जी। राजेंद्र नागर जी को 20 महीने पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था, हेमीपैरासिस हुआ था और वो पैरालिसिस हुआ था इनको क्लॉट की वजह से। इनके लेफ्ट साइड में ब्रेन में क्लॉट आया जिसकी वजह से इनकी राइट साइड में इफेक्ट आया और इनकी जो फंक्शनिंग है हाथ की चली गई, पैर की चली गई, बोलने में दिक्कत बन गई कि बोला नहीं चाहता था, बोलते थे तो समझ में नहीं आता था। अभी भी आप उनको सुनेंगे तो इनके जो वर्ड्स हैं क्लियर हो गए हैं बट उनमें अभी भी जैसे आपको महसूस हो जाता है कि अभी भी पैरालिसिस का थोड़ा अंश रह गया है। ट्रीटमेंट देते हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुआ है और 3 महीने के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो खुद राजेंद्र नागर जी बताएंगे। राजेंद्र नागर जी, ये आपको कब किस महीने में किस साल हुआ था, कब हुआ था? फरवरी 2017 में जब हुआ था तो आपकी क्या कंडीशन थी? मैं आईसीयू में भर्ती हुआ था। अच्छा। मेरे 7-8 तो पता ही नहीं, मैं बोल बेहोश रहे। हाँ, उसके बाद दवाई चली, 2-3 महीने दवाई खाई, मेरे कोई असर नहीं हुआ। ठीक। बोल पहले से जैसी दिक्कत रहे। ठीक है। और फिर इलाज चला रोडकी से, कोई फर्क नहीं आया। अब 3 महीने बाद अब आपके हमारे ऐसा ही और मेरे हाथ पैर चलने लगे। पहले क्या कंडीशन थी? 3 महीने पहले मेरा हाथ गिर जावे, ये हाँ गिर जाता था नीचे, मतलब ऊपर नहीं जाता था। हाँ। अच्छा, ये अब ऊपर पूरा आराम से जाता है। और बोलने में भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत आती थी? बोला ना बोल नहीं पाते और अखबार पढ़ने में दिक्कत थी। अच्छा, शब्द समझ में नहीं आते थे या पढ़ा नहीं जाता था? पढ़ा नहीं जाता था, शब्द समझ में आते थे क्या लिखा हुआ है, बोला नहीं जाता था। अब बोल लेते हो। हाँ। ये थोड़ी अटकते हो बस, थोड़ा सा अटकते हो। मगर अभी 3 महीने ही इलाज हुआ है, अभी थोड़ा सा चलेगा आपका आगे। और चलने में क्या फर्क आया? चलने में पहले से बहुत बेहतर हो गया। और अब स्कूटर भी चला लेते हो, सुना है? हाँ, स्कूटर भी, गाड़ी भी चला लेते हो स्कूटर भी चला लेते हो। तो इस टाइम में आपने 3 महीने के अंदर क्या परहेज किया? परहेज तो सादी रोटी। अच्छा। तोरी, ही घिया, मूंग की दाल। अच्छा। आलू, ये खाना पीना सब साधारण था। तो 3 महीने में जो इलाज मिला साई संजीवनी का, उसको देखकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बेटर इलाज है साई संजीवनी का, बेटर इलाज है। तो बाकी जो मरीज होते हैं पैरालिसिस के, हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, साई संजीवनी का इलाज बहुत बढ़िया इलाज है। मैं जीता जागता प्रमाण। तो अक्सर ये होता है ना कि एक एक भुक्तभोगी दूसरे भुक्तभोगी को, मतलब जो भुगत रहा होता है वही जान पाता है कि सामने वाले का दर्द क्या है। तो इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया, ये हमारे जो मरीज होते हैं ये आपको इसलिए इंटरव्यू दे पाते हैं क्योंकि आप समझ सके कि आप जो भुगत रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हजारों मरीज हैं जो साई संजीवनी में आते हैं, जो अपनी खोई हुई क्षमता को वापस पाते हैं, तो आपको 1% भी निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बीच में आपने क्या एक्सरसाइज की राजेंद्र जी? हाथ की एक्सरसाइज की। अच्छा। और ये ऊपर नीचे दीवार पे। हाँ। मतलब जो वीडियो हम बनाते हैं फायदेमंद साबित हुई। ठीक है। देखिए, जब हम पैरालिसिस की दवाई देते हैं, स्ट्रोक की दवाई देते हैं, तो पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रोक हुआ किस वजह से था। क्योंकि जब किसी के माइंड में क्लॉट आता है तो उसके दिमाग के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ब्रेन का एक बड़ा टिश्यू डैमेज हो जाता है। अब दिमाग जो होता है हमारे पूरे शरीर को संभालता है, चलाता है, मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, उनको कमांड करता है कि आपने कितना हिलना है, कैसे हिलना है।
मगर अगर वही हिस्सा आपका डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि आपका वो जो काम करने की क्षमता थी आपके दिमाग की वो चली जाती है। उसकी वजह से वो जो काम करता था, आपके मांसपेशियों को कंट्रोल करता था, वो क्षमता भी आपकी चली जाती है। तो अगर आप पैरालिसिस के किसी मरीज को देखोगे तो आपको लगेगा जैसे इसका हाथ पैर नहीं चल रहे, मगर मरीज की जो दिक्कत होती है वो हाथ पैर में नहीं होती। मरीज़ की मांसपेशियाँ ठीक होती हैं, हड्डियाँ ठीक होती हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, मगर दिक्कत क्या होती है कि ब्रेन से कमांड नहीं आ रही होती, ब्रेन से सही तरीके से सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। जिन केसेस के अंदर सिग्नल बिल्कुल आने बंद हो जाते हैं वहाँ पर मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, अकड़न आ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट में जो इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो, तो किसी भी पैरालिसिस के पेशेंट को ये समझना चाहिए कि दिक्कत क्योंकि ब्रेन की है, दिमाग की है, वहाँ पर खून नहीं पहुँच पाया, वहाँ नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई भी वहीं से शुरू होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि अपने ब्रेन को इतनी ताकत देना कि वो अपने अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जो भगवान ने बनाई है। इसको समझना आसान नहीं होता। ये अपने कैपेसिटी का सिर्फ 5-6% ही यूज़ कर पाते हैं हम। मैं भी अपने ब्रेन का सिर्फ 5-6% ही यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, एक्सपेंड इन द सेंस वर्किंग के अंदर, साइज में नहीं। तो जब किसी को क्लॉट हुआ, नुकसान हुआ, तो ब्रेन जब हील करना शुरू करता है, उस भरपाई को करना शुरू करता है, तो पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। शायद वो नागर जी को भी देखने को मिली हो, ये हाथ की उंगली खुलती नहीं आई ये 6 महीने में ना, पहले और जब से दवाई खा रहा हूँ खुलने लगी। ये क्यों हुआ इसको समझिए। ये जब ब्रेन ने दोबारा से कमांड ली, दोबारा से अपना वो मांसपेशियों पे कमांड लेना शुरू किया, कंट्रोल में लेना शुरू किया, तो ये हाथ खुलने भी लगा और बंद भी होने लगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ इधर भी हैं और इधर भी हैं। जब आपका आधा सिग्नल आ रहा होता है, मान लो सिर्फ एक तरफ सिग्नल आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हाथ बंद हो जाएगा, खुल नहीं पाएगा, क्योंकि इधर की मांसपेशियाँ तो काम कर रही होती हैं, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, पीछे की मांसपेशियाँ खोलने वाली नहीं काम कर रही होती। इस वजह से आपका हाथ बंद तो हो जाता है, वापस खुल नहीं पाता, मगर जैसे ही ब्रेन पीछे की मांसपेशियों पर भी अपना कंट्रोल ले लेता है, ये हाथ की ये जो मूवमेंट होती है खुलने बंद वाली, ये शुरू हो जाती है। तो आप जब भी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट शुरू करें, कोई आपका सगा संबंधी हो, आप हो, तो पहले पैरालिसिस को समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रोक को समझने की कोशिश कीजिए, और समझिए कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, दिखने में क्या हुआ है वो नहीं, बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपके हाथ पैर की जो मूवमेंट है वो चले। एक बार आप ब्रेन को समझ जाते हैं, अपनी दिक्कत को बहुत डीपली समझ जाते हैं, ये ऐसा कुछ होता है जैसे आप अपने किसी एनिमी को, शत्रु को समझ जाते हैं, उसकी कमजोरियों को समझना शुरू करते हैं। और जब किसी की अपने किसी एनिमी को हराना होता है तो उसकी हम शुरुआत करते हैं उसकी कमियों से। तो पैरालिसिस की जो कमियां हैं वो यहीं से शुरू होती है कि उसको अगर हमने जीतना है तो ब्रेन से काम करना शुरू करना पड़ता है। और जब कोई पेशेंट ब्रेन पे काम करना शुरू करता है उसको रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। तो आज हम शुक्रिया करना चाहेंगे राजेंद्र जी का, राजेंद्र नागर जी का। 3 महीने के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट की, इतने अच्छे लाए। अभी इनका ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम बीच रास्ते में पहुँचे हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमने मेजोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो कर लिया, बट लास्ट के फाइन मोटर स्किल्स, जिससे राइटिंग आती है, जिससे लिखावट है, सामान को बहुत बारीकी से पकड़ना, बटन बंद करना, ये जो बारीकी वाले काम होते हैं, अब इनका उस पर ट्रीटमेंट चलेगा। तो आने वाले 3 महीने बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम राजेंद्र जी की दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर यहाँ से लेकर अगले 3 महीने के आपको इम्प्रूवमेंट का बारे में आइडिया लग पाएगा। तो जितने भी पेशेंट हैं साई संजीवनी के, उनको यही कहा जाता है, आप इसे प्यार से मानिए, उसको आप स्ट्रिक्टली मानिए कि आपको जो परहेज बताया जाए खाने पीने के अंदर, जो आपको एक्सरसाइजेस बताई जाए, वो आप ज़रूर कीजिए। रैंडमली आप जो हर टाइम करते रहते हैं, किया छोड़ा फिर एक्सरसाइज बदली, वो चीज़ ना कीजिए। जो आपको यहाँ से डॉक्टर बता दे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, धन्यवाद आपका साइंस इंजीनियरिंग में आने का, बाकी सब पेशेंट्स को बताने का अपनी किस तरह से आपने इस पैरालिसिस को जीता है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जो बचा कुचा जो रह गया आपके जो बोलने में रह गया या आपके हाथ में जो रह गया, वो अगले 2-3 महीने में पूरा डिसअपीयर हो जाएगा।